हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन पहाड़ी नौकरी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो हम हाजिर हैं आपके लिए लेके एक नया संशोधित विज्ञापन उत्तराखंड में जो पीआरटी की भर्तियां चल रही हैं उसको लेकर। तो अब की बार जो जिला हम लेके आए हैं आपके लिए संशोधित विज्ञापन, वो है जनपद रुद्र प्रयाग का आपके लिए लेके आए हैं। और हम क्या क्या इसमें संशोधित हुआ है सब कुछ हम आपको बताएंगे, तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। जैसे कि आपको मैं बता दूं, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि एक कमेंट जो सबसे कॉमन आएगा वो आएगा कि विज्ञापन संख्या क्या लिखनी है। तो मैं आपको बता दूं, संशोधित विज्ञापन संख्या आपको लिखनी है, प्लस आपको जिन्होंने पहले आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा आवेदन नहीं करना है। इफ एंड बट उनका फॉर्म रिजेक्टेड होकर वापस ना आए हो तब तक वो पुनः आवेदन ना करें। और जो नया आवेदन कर रहे हैं उनके लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में पत्रांक संख्या / प्रारंभिक शिक्षा 8177-80 विज्ञप्ति नियुक्ति 2021/, ये इसका आपका रेफरेंस नंबर है या कह लीजिए विज्ञप्ति संख्या है। तो आप देख सकते हैं ये लेवल 6 की जो ये भर्ती आई थी अध्यापक की पीआरटी की, उसमें देख सकते हैं कि ये जो है भर्तियां आपकी 26 दिसंबर को एक नया जो है कि आदेश आया था जिसके तहत इसमें कुछ चेंजेस होने थे। सबसे पहले जो थी चेंजेस वो थी जो है योग्यता को लेकर। तो इसमें मैं सभी में वीडियोस में ये चीज़ मैं कॉमन बता चुका हूँ कि सीट सभी में बढ़ने वाली है। उसके लिए एक्सट्रैक्ट वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए गया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे और है ये कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेके आई है कि 29 जुलाई 2011 के पहले के जिन्होंने एडमिशन लिए हुए हैं वो इसमें अगर उनके कम स्नातक में 50% से कम है तो वही इसमें एप्लीकेबल होंगे, बाकी एप्लीकेबल नहीं होंगे बाद वाले जिनके 50% बाद में आए हुए हैं। तो ये एक कॉमन सी है। बाकी इसमें सीटों की संख्या को लेकर भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो और भी जो चेंजेस हैं बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, बाकी वो सेम एडिट रहेंगे जो पहले वाले विज्ञापन में थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा इसमें जो ये एक और इसमें जो दूसरी चेंजेस हुआ है वो हुआ है जो इसकी फॉर्म की में जो आयु को लेकर हुआ है, आयु को लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि 2020 के अनुपालन के अनुसार। ठीक है, जो एक आपको बीच में ये हुआ था कि कोविड की वजह से जो है उम्र को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो अभ्यर्थियों की आयु है 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक ना हो, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये साफ साफ कर दिया है, तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो एज इट इज रहेंगी जो पहले रही थी। अब यहाँ पे लास्ट डेट को लेकर है, यहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से 20 जनवरी 2021 तक साय जहाँ भी एड्रेस है जिस भी शिक्षा विभाग का वहाँ पर आपको ये पहुँचाना है। उसके ऊपर क्या डाक के 100 प्रमाणित लिफाफे पे 30 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ अंदर होना, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हर वीडियो में ये हम बात आते हैं। तो यहाँ पर मेन टॉपिक जो है जो संशोधित हुए थे वो हमने आपको बता दिए, उम्र को लेकर बता दिया, शिक्षा क्वालिफिकेशन शैक्षिक क्वालिफिकेशन को लेकर बता दी और उम्र को लेकर बता दी और अंतिम डेट को लेकर बता दी, यही इसमें संशोधन हुआ। बाकी सीटों को लेकर अभी डिटेल जो है वो थोड़ी दिनों बाद आपको देखने को फिर से मिल सकता है, क्योंकि बागेश्वर में जो डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो उसमें कुछ सीटों के हेर फेर हुआ है, वो हमने ऑलरेडी उसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। बाकी इससे अलावा और कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमें क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी हमारा सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपके अगर कोई डाउट हो तो लाइव हमसे जुड़ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे रात 9:30 बजे टुनाइट विद पहाड़ी सीजन 1 के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।